रोहिणी त्रिवेदी सिर्फ 16 साल की थी। कायदे से इस उम्र में उसे स्कूल में होना चाहिए था, पर उसकी शादी करा दी गई थी, वो भी उससे दुगने से भी ज्यादा उम्र के आदमी के साथ। उसे उसकी मर्जी पूछना किसी ने जरूरी नहीं समझा। 17 की उम्र में बच्चा गोद में आ गया, खुद बचपने से निकली नहीं थी और एक नवजात की जिम्मेदारी संभाल रही थी। अब रोहिणी 37 साल की है, अब वो अपनी मर्जी जताती है, वो सारी चीजें करती है जो वो तब नहीं कर पाई जब उसे पता भी नहीं था कि जिंदगी में मर्जी नाम की भी कोई चीज होती है। एक तो आप जबरदस्ती मेरे घर से मुझे उठाकर यहाँ ले आए, इतनी देर से बैठा कर रखा है और वही वही सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब मुझे पता ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगी? इस तरह से सवाल पूछने से मैं सारे इल्जाम कबूल कर लूंगी? आंटी, आपने मेरी मम्मी को देखा है? कौन है तेरी मम्मी? मैं नहीं जानती। वो कहाँ गई? बेटा, मैं जब जानती ही नहीं तेरी मम्मी कौन है, फिर कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ गई? सितंबर का महीना था, पुणे शहर में हुए एक जुर्म ने सारे शहर में दहशत फैला दी। हमें 2 लावारिस बोरियों की खबर मिली थी। किसी अज्ञात आदमी ने फोन किया था, बोला था कुछ गड़बड़ लग रही है। जब हम पहुंचे हमें भी वही लगा। बाहर से बोरियों पर हमें खून के धब्बे नहीं दिखे। हमें चिंता हुई कि कहीं ये कोई बॉम्ब तो नहीं। सर, कोई एक्सप्लोसिव नहीं है, मगर बदबू आ रही है काफी, लाश हो सकती है। खोलो। अंदर एक प्लास्टिक बैग है सर। इसमें भी? दोनों को बाहर निकालो। कहना है कि इस वक्त स्पष्ट नहीं है कि कटे हुए हाथ पैर किसी एक ही महिला के हैं या एक से ज्यादा लाशें हो सकती हैं। पर एक कटा हुआ सर जो मिला है वो एक जवान औरत का है और धड़ भी उसी औरत का मालूम होता है।
पुलिस का कहना है कि वो औरत शायद प्रेग्नेंट थी, पर पॉसिबिलिटी ये भी है कि सड़न की वजह से लाश काफी फूल गई हो। मेरी टीम लगी हुई है बॉडी पार्ट स्टिच करने में, रेडी होने में कम से कम 4-6 घंटे और लगेंगे। आप एक काम कीजिए, कल सुबह तक फोन कीजिए। पर क्या सारे बॉडी पार्ट्स एक ही औरत के हैं? इतना तो बता सकते हैं। देखने में ऐसा लग तो रहा है, पर एग्जैक्ट डिटेल्स मैं आपको कल सुबह ही बता पाऊंगा। आप कल सुबह तक वेट कर लीजिए प्लीज। और वो जो पेट फूला हुआ था, वो प्रेग्नेंट थी या सड़ने की वजह से लाश फूली हुई है? नहीं, सड़न की वजह से बॉडी फूली है पर पेट नहीं, और वो प्रेग्नेंट लग रही है और वो भी एडवांस स्टेज में। और उसकी पैरों की उंगलियों में वो अंगूठी मिली है और कुछ चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं उसके स्किन में घुसे हुए। मैं काम करता हूँ, मैं सारी डिटेल्स आपको कल सुबह तक देता हूँ। एकदम सड़ गई है, फिर भी भेज दो, सभी पुलिस थानों में भेज दो। सड़न देख के लगता है कि मर्डर 3-4 दिन पहले हुआ। ये 3-4 दिन पहले की मिसिंग कंप्लेंट्स निकलवाओ, कल सुबह तक और भी डिटेल्स मिल जाएंगी। सभी पुलिस थानों में बोल दो कि कल सुबह तक और डिटेल्स दे दी जाएंगी, कम से कम प्रिलिमिनरी काम तो शुरू हो। हमें कॉल करके इन्फॉर्म किसने किया था? कॉल करने वाला एक ऑटो ड्राइवर जो ट्रेस हो गया, और कल ये चेक कर रहा है कि आसपास के एरिया में कहाँ सीसीटीवी है। अगर आपको पता चला है कि मैंने आपको फ़ोन करके बताया, तो इसलिए पता चला है कि मैंने ही अपने फ़ोन से कॉल किया था और फ़ोन बंद भी नहीं किया। चंदन किसी को बोरियां रखते हुए देखा था? अगर देखा होता तो मैडम कल फ़ोन करता ना, और मैं हर रात यहीं पर अपना रिक्शा खड़ा करता है, अंदर ही सोता है। सुबह चाय पीने के लिए बाहर गया तो बोरियां देखी, तो डाउट गया। बोरियों के बाहर तो खून लगा नहीं था, तो फिर कैसे डाउट? कचरा भी तो हो सकता था ना। अरे मैडम, इधर कोई कचरा नहीं फेंकता है, और जिस तरह से बोरियां लगी हुई थी कचरा नहीं लग रही थी, और मैं अकेला नहीं था जिसने देखा, बाकी ऑटो वाले भी थे, सब कट लिए। आज सुबह ही देखा? हाँ साहब, आज सुबह ही देखा। चंदन, और कौन कौन ऑटो वाले जो अपना ऑटो यहाँ पे पार्क करते हैं, सबका नाम लिखवा दे। मैं सबको नहीं जानता मैडम। देख चंदन, तुम जितनों को जानता है उनकी डिटेल्स बता दे, बाकी हम पता कर लेंगे। आरएम सीमेंट के एंगल को अगर कंसीडर करते हैं तो सारे डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और सेल्स वाले सबको टटोलना होगा। बोरियों पर कोई बैच नंबर नहीं है गीता, ना ही अंदर सीमेंट के ट्रेसेस हैं। इन बोरियों को काफी टाइम से खाली करके रखा हो। कंस्ट्रक्शन साइट का वर्कर हो सकता है जिसने इन दोनों बोरियों को स्पेशली इसी काम के लिए रखा होगा, या फिर कातिल ने कहीं से खरीदी होगी। खाली बोरियां तो ज्यादातर रद्दी वाले रखते हैं, या फिर कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जो बोरियां बेचती हैं। सर एक काम करते हैं, जहाँ लाश मिली थी हमें उस एरिया के आसपास जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट हैं और रद्दी वाले, इन दोनों से स्टार्ट करते हैं। बॉडी के 8 पीसेस थे, सारे एक ही औरत के, औरत प्रेग्नेंट थी और 8वां महीना पूरा हुआ था, मेल चाइल्ड था। काटने से पहले कैसे मारी गई? पूरे बदन पर कई घाव हैं, शायद गला घोटा गया होगा, क्योंकि और कोई कॉज ऑफ डेथ नजर नहीं आया। पर बॉडी को इतने क्लीन तरीके से काटा गया है कि कुछ भी कहना मुश्किल है। 31 और 38 के बीच की रही हो। टाइम ऑफ डेथ? आपको मिलने के कम से कम 48 घंटे पहले मारी गई। आज 7 सितंबर है तो आप 4 सितंबर पकड़ लो। 4 को मारी गई, 6 को लाश मिली, यानी 5 को लाश कहीं रखी गई होगी और फिर काट कर ठिकाने लगा दिया। पॉसिबिलिटी है, लेकिन एग्जैक्ट डिटेल्स तो आपको कौन ही बता पाएगा जब आपके हाथ आए। आप पैर के बिछिया के बारे में बात कर रहे थे, और चूड़ियाँ? हाँ, वो निकाली है, और मेरी एक टीम मेंबर ने कहा कि वो नॉर्थ इंडियन स्टाइल है। सर, इसमें जो स्टोन लगा हुआ है ना, ये ज्यादातर हमारे नॉर्थ साइड की औरतें ही पहनती हैं। नॉर्थ साइड किसी खास जगह से? यूपी, बिहार, पंजाब? किसी खास जगह के बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, हमारे पश्चिम यूपी की औरतें तो यही पहनती हैं। एक और बात, बॉडी के टुकड़े सिंगल अटेम्प्ट में अलग किए गए। सिंगल अटेम्प्ट मतलब कुल्हाड़ी जैसे किसी चीज से वार किया हो? नहीं, ये आर पार की कटिंग, जैसे हाथ को अगर आप देखेंगे इतनी क्लीनली कटा हुआ है, लगता है किसी मशीन का इस्तेमाल किया। मशीन? हर कट को देख के लगता है कि वो इतना स्ट्रेट है, कहीं कोई आड़ा टेढ़ा नहीं।
किस तबके की हो सकती है औरत? इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। एक तो लाश इतनी बुरी तरह से गल गई थी और बॉडी पर जो कपड़े थे ये इतनी बुरी तरह से खून में लिपटे हैं कि इनके सलवार सूट का ओरिजिनल कलर भी समझ में नहीं आया। ये किस टेलर का है, किस ब्रांड का है, कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि कंचन का कहना है कि इसके प्रिंट को देख के लगता है कि ये उत्तर भारतीय है। एक बात और, लाश शायद बाहर रखी हुई थी इसलिए बहुत ज्यादा सड़ गई। जनरली ऐसे केसेस में लाश को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। ये हड्डी के आर पार काटने वाला इलेक्ट्रिक सॉ मशीन हो सकता है, वो लकड़ा काटने वाला टिम्बर मार्ट्स में जो यूज होता है, या फिर मार्बल या पत्थर काटने वाली मशीन एक झटके में आर पार कर सकती है। वहां से यहां पुणे आई होगी, बच्चे के बाप के साथ कोई इशू हुआ होगा, मतलब हो सकता है बाप को बच्चा ना चाहिए हो, मार डाला और लाश काटकर ठिकाने लगा दी। नॉर्थ इंडिया के पुलिस स्टेशन में केस डिटेल्स भेजें, ये बिछिया की आइडेंटिफिकेशन करवाएं। चांस लेते हैं सर, वैसे भी हमारे हाथ में फिलहाल कुछ है नहीं, लेकिन सबसे पहले साइबर सेल की मदद लेनी हो, पहले चेहरा तो बने। अगर पॉसिबल हो तो फेस के बाद पूरी बॉडी का स्केच बनाओ उन्हीं कपड़ों में, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प होगी। ओके सर। हाँ गीता, संजय को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें एक बाइक दिखी है, उस पर दो लोग हैं और सेम बोरियां हैं। ग्रेट। जहां बोरियां मिली उससे थोड़ी दूर की दुकान पर थी ये सीसीटीवी। सिर्फ इसी दुकान पर सीसीटीवी था, इसके आगे की किसी दुकान पर नहीं था? यस सर, और किसी भी दुकान पर सीसीटीवी नहीं था। लेकिन यही लोग इन्वॉल्व्ड हैं, बोरियां सेम, आरएम सीमेंट्स। बाइक की नंबर प्लेट दिख नहीं रही है और पीछे जो भी बैठा है उसने बहुत स्मार्टली अपना चेहरा कवर कर रखा है, और चलाने वाले का हेलमेट तो खैर पूरा ही ब्लैक है, चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा। सर हेलमेट पे एक येलो पट्टी और बाइक के पेट्रोल टैंक का कलर बाइक के कलर से बिल्कुल अलग है। पीछे जो बैठा है ये कोई आदमी है या फिर कोई औरत है जो जींस टी शर्ट पहन के बैठी है ताकि हम गुमराह हो सके? सर फिजिक वाइज तो ये औरत ही लग रही है जिसने कंधे पे बैकपैक ले रखा है। किराए का जोड़ा हो सकता है, बस इसी काम के लिए। एनालाइज करने पर भी कुछ खास नजर नहीं आ रहा। फिर भी हिला देते हैं, शायद कोई पहचान जाए, बाइक हेलमेट कुछ भी। बाइक पुरानी दिखती है लेकिन पेट्रोल टैंक अलग रंग का है। नवीन, लोअर मिडिल क्लास एरियाज पर ज्यादा फोकस करो, बाइक मैकेनिक्स और ऑटो स्पेयर पार्ट्स वालों को भी टटोलो, हो सकता है किसी ने हाल ही में पेट्रोल टैंक बदलवाया हो। हमने पूरे शहर में इन दो बाइक सवार लोगों को खोजा, हमारे सामने जो भी ऑप्शंस थे हम उस पर काम करते रहे। संगीन जुर्म था और इसकी तह तक जाना जरूरी था। हमारा नेटवर्क भी काम पर लगा था यह पता करने कि शायद किसी ने इन दोनों को पहचान लिया हो। मीडिया के थ्रू हमने इस केस को काफी पब्लिसिटी दी, हमें लगा था इससे शायद कोई औरत को पहचान ले। औरत 8 महीने पेट से थी, 1 महीने में डिलीवरी होती, इस एडवांस स्टेज में किसी ना किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो गई होगी, कोई मैटरनिटी होम जहां डिलीवरी होने वाली थी। एब्सोल्युटली सर, किसी ना किसी हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट तो जरूर लिया होगा डिलीवरी के लिए। डॉक्टर ने डेट्स दी होंगी चेकअप के लिए, ड्यू डेट दी होगी,
लेकिन ये अब कभी नहीं पहुंच पाएगी। आई थिंक हमें सारे ऑब्स्टेट्रिशियन गायना को मैटरनिटी होम को टारगेट करना चाहिए। हेलो, सोमलाल मैटरनिटी हॉस्पिटल। हेलो, विभो नर्सिंग होम। हेलो, रागनी मैटरनिटी हॉस्पिटल। ऐसा कुछ यूज हुआ होगा बॉडी काटने के लिए? इसी लाइन का होगा सर, ये कारीगर लोग लेते हैं ना अपना मशीन किराए पर कुछ लोग का अपना भी होता है सर। तो फिर किराए पर देने वाले और कारीगर दोनों को टटोलो। सर ऐसे काम ज्यादातर रात को होते हैं, पर मशीन आवाज करती है काफी, आसपास के लोगों ने सुना भी हो। मोहल्लों में भी पूछो, किसी ने किसी घर से कोई आवाज सुनी हो या फिर किसी ने हाथ बटाया हो, फैल जाओ, सबसे पूछो। 8 महीने की गर्भवती महिला की निर्मम हत्या से पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। अब तक इस औरत की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन में जोरों से जुटी हुई है, लेकिन ना ही ये औरत कौन है और ना ही सीसीटीवी में दिख रहे संदिग्ध कौन है पता लग पाया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने कई महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए आम जनता से भी अपील की है मदद के लिए। तो हमारा आपसे आग्रह है कि अपने अपने पब्लिकेशंस में प्लीज इसे छापिए और लोगों से रिक्वेस्ट कीजिए कि अगर किसी को भी 8 महीने प्रेग्नेंट औरत के बारे में पता हो जो 4 सितंबर से गायब है, वो प्लीज सामने आए और तुरंत हमें इन्फॉर्म करें। ये जो मशीन आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये सिर्फ एक नमूना है, जस्ट एन एग्जाम्पल। हमारा अनुमान है कि ऐसी ही किसी मशीन का इस्तेमाल किया गया है इस जुर्म को करने के लिए। हमारा ये भी अनुमान है कि मुजरिम कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो पेशे से इस तरह के औजार का इस्तेमाल करता हो। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि किसी को किसी पर कोई भी शक है, वो प्लीज़ आगे आए और हमें इन्फॉर्म करें। टिप देने वाले की आइडेंटिटी को गुप्त रखा जाएगा और सही टिप देने वाले को इनाम भी दिया जाएगा। इस नंबर पर कॉल लगाइए ना। कॉल लगा तो 2 रुपया लगेगा। The number you have called is currently switched off. फोन स्विच ऑफ है। वापस लगाइए ना। बेटा फोन बंद रखा गया है, तुम एक काम करो, बाद में आ जाना, जब सामने वाला फोन चालू करेगा तो तुम्हारी बात हो जाएगी। मैडम, एक आबिदा शेख हैं, जिनका अपॉइंटमेंट 9 सितंबर को था, लेकिन वो 9 सितंबर को आए ही नहीं। नंबर है इस आबिदा शेख का? जी है, एड्रेस भी है। लिखो। थैंक यू। एएसआई गीता? मैडम, डॉक्टर शांति आचार्य क्लिनिक से बोल रही हूँ। हाँ बोलो। मैडम आपने मांगा था ना अपॉइंटमेंट, किसका छूट गया है? हाँ हाँ, कौन थी? 11 तारीख एक अपॉइंटमेंट था मंजू चंद्रा का, आज 14 तारीख हो गई है, आई नहीं अब तक। नाम और एड्रेस बोलो फटाफट। The number you have called is currently switched off. Please try again later. जैकर गाड़ी निकालो। अर्चना चल। साहब कुछ मिला है? क्या मिला है गुरु? एक रद्दी की दुकान मिली है सर, आर एम सीमेंट की बोरियां यहीं से खरीदी गई थी। दुकान का एड्रेस मैसेज कर दो गुरु, मैं वहां पहुंच रहा हूं। अरे भाई, हाउस नंबर 63। मैम यहाँ से 2 गली बाद मिलेगा आपको। अभी तो शेख का घर है वो? ये नहीं बता सकता। ठीक है।
आबिदा शेख का घर यही है? क्यों, क्या बात है? आप कौन लगती हैं उसकी? आप काम बोलो जी। देखो, आबिदा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, या तो तुम उसे घर से बाहर निकालो या मैं घर में घुस के चेक करूंगी। क्या चेक करेगी आप? 8 महीने प्रेग्नेंट है ना वो। तो ये डॉक्टर नमिता के पास उसका 9 तारीख का अपॉइंटमेंट था, गई क्यों नहीं वो? उससे आपका क्या ताल्लुक है? देखो, सीधे सीधे ये बताओ वो घर पर है या नहीं। सरफराज नाम है इसका। ये बोरियां किसने खरीदी थी सरफराज? मालिक, ये गुरु भाई ने जब पूछा तो ईमानदारी से मैंने बता दिया था। 5 तारीख को दोपहर के टाइम एक आदमी आया था, कौन था क्या था इसके बारे में मेरे को कुछ नहीं मालूम था। तो कैसे याद रह गया तुझे? उसने 2 बोरियां मांगी थी, उस टाइम मेरे पास एक ही बोरी थी और दूसरी एक बोरी में मेरा ही कुछ छुटपुट सामान पड़ा हुआ था, लेकिन वो जिद करने लगा 2 बोरी चाहिए। भाई सुनो, गोनी मिलेगी? गोनी चाहिए? चलो भाई, 25 का एक गोनी। भाई हमें 2 चाहिए। भाई 2 तो नहीं है, एक ही से काम चला लो। तो वो वाली खाली करके दो हमें। कौन सी? वो वाली। अरे ये बेचने के लिए नहीं है भाई, इसमें सामान बड़ा है हमारा, ये नहीं मिलेगी भाई। रखना है तो एक रखो, वरना माफ करना। हम दोनों का मिलाकर 200 देने के लिए तैयार है। 200? हाँ भाई, जल्दी खाली करना दूसरी वाली। पता नहीं उसको ऐसी क्या जल्दी थी, 200 रुपए 2 बोरी के आज तक मुझे किसी ने नहीं दिए। पहले कभी देखा है उसे यहाँ पे, इसी मोहल्ले का? नाना साहब, उसको तो पहली बार ही देखा, और इस मोहल्ले का तो गारंटी से नहीं था। ये देख, ये तो पहले भी देख चुका हूँ साहब, ये अखबार में भी छपी थी और गुरु भाई ने भी एक बार दिखाया। वैसे देखा जाए तो ये हो सकता है, लेकिन मैं पक्का नहीं बोल सकता साहब। साले 50 का माल रोज रोज कोई 200 में बेचता है क्या? शक्ल कैसे भूल सकता है तू? स्केच बनवा दे चल। अरे गुरु भाई, क्या अभी हर रोज इतने सारे बंदे दुकान में आते, कैसे याद रहेगा? और वैसे भी ये कोई खास बंदा तो था नहीं, मेरे को खाली सौदा याद है, उसका बंदे का थोपड़ा याद नहीं है साहब। मैं पूरे मोहल्ले में फील्डिंग लगा देता हूँ सर, किसी के घर में रुका मेहमान भी तो हो सकता है। एक बिगड़ छूटना नहीं चाहिए गुरु। 5 तारीख को बोरियाँ खरीदी गई थी, मोहल्ले में अगर CCTV है तो 5 तारीख का फुटेज निकलूंगा। देखो, जबरन मेरे घर में घुसने नहीं दूंगी मैं, मुश्ताक भाई समझाइए ना मैडम को। मैडम एक बार बताओ तो सही, अभिदा को क्यों ढूंढ रही है? एक केस का मामला है, बुलाओ अभिदा को। केस? क्या केस? मेरे अभिदा को इस सब में क्यों घसीट रही हो आप? अभिदा का शौहर रिजवान कहाँ है वो? वो सऊदी में काम करता है। देखो चुपचाप ये बता दो अभिदा घर पर है या नहीं, और अगर नहीं है तो 3 सितंबर से गायब है या 4 सितंबर से। मैडम आप क्या बोल रहे हैं, अभिदा गायब क्यों होगी? अगर नहीं गायब है तो बुलाओ ना, बुलाओ। ये लो, आ गए अभिदा। लो कर लो तसल्ली। अम्मी, अम्मी क्या हो रहा है? अभिदा शेख तुम हो? जी मैडम। 9 सितंबर को डॉक्टर नमिता रेड्डी के साथ तुम्हारा अपॉइंटमेंट था, गई क्यों नहीं तुम? वो मैंने डॉक्टर बदल लिया। डॉक्टर बदल लिया? हाँ, मतलब बदल नहीं सकते क्या? नहीं नहीं ठीक है। अम्मी क्या हो रहा है ये? क्या रहा है ये पुलिस घर पे? अम्मी गाड़ी निकालो, रामनगर की तरफ ले लो। नेक्स्ट ये मंजू का पता कर। हेलो जी, ये किसका नंबर है? इस नंबर से फोन आया था। मैं पुलिस। तुम मंजू चंद्रा बोल रही हो? हाँ हम मंजू चंद्रा हैं। क्यों किया मैडम आपने फोन? तुम्हारा डॉक्टर शांति आचार्य के साथ अपॉइंटमेंट था, गई क्यों नहीं तुम मिलने? हाँ वो हम गए नहीं, क्योंकि हमारी ननन दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए बोली। ठीक है, गाड़ी खड़े। सर गुरु अपने लड़कों के साथ खोजबीन कर रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। मिसिंग कंप्लेंट भी कोई मैच नहीं हुई? नहीं सर, 3 मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी 3 सितंबर को, लेकिन उनमें से कोई प्रेग्नेंट नहीं थी। वो तो हो सकता है जानबूझकर ने लिखवाया।
सर तीनों केस की बैकग्राउंड चेकिंग की, सच में कोई प्रेग्नेंट नहीं थी और ना ही कोई गड़बड़ मालूम हुई। यूपी साइड से कोई खबर? कुछ भी ठोस नहीं सर, वहां की पुलिस को जो कुछ भी डिटेल्स मिल रही है वो मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं। एक बार सारे एंगल्स फिर से देखते हैं, हो सकता है कुछ हाथ लग जाए जो पहले छूट गया, फिर से स्टडी करते हैं। लावारिस डेड बॉडी और उससे जुड़े सुरागों को हम बारीकी से दोबारा छांटने लगे थे, जब अचानक से एक ऐसी लीड मिली जो हमारी तहकीकात के दायरे के बाहर से आई। हमें पहला ऐसा सुराग मिला जो हमें हमारे संदिग्ध तक ले जाने वाला था। सर ये वही बाइक थी सर, मैं 100% कंफर्म हूँ। बाइक का टैंक का कलर भी सिल्वर था और बाइकर ने वही हेलमेट पहनी थी जो हमने उस दिन तस्वीर में देखी थी। बढ़िया बढ़िया जगन, तुम बाइक का नंबर तो नोट कर पाए ना? सॉरी सर, मैं नंबर तो नोट नहीं कर पाया। हाँ लेकिन गोविंद राय सर्कल के CCTV में बाइक कैप्चर हुई है। ओ बढ़िया, तो तुरंत उसका फुटेज भेज दो। जी सर, मैंने अपने सीनियर से बात की है, उन्होंने फुटेज निकलवा लिया है, आधे घंटे में आप तक पहुँच जाएगी। इस कैमरे में बाइक के आगे वाला नंबर प्लेट साफ नजर नहीं आ रहा। सेकंड कैमरा देखते। हमें हमारा सस्पेक्ट मिल गया नवीन, उठा लाओ इसे। बाइक किसी नारायण जोशी के नाम पर रजिस्टर्ड है और हमें RTO से इसके ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी भी मिल गई। नारायण जोशी, उठा लो। ओ, जी ये औरत कौन है? सर ये तो अखबार में थी वो कटी हुई लाश, लेकिन मैं इसे नहीं पहचानता सर। ये बाइक पहचानते हो? हाँ ये तो तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है, मना नहीं कर सकते। मेरे नाम पर? अजीब बात है, अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं हुआ। अब तुम बोलोगे बेच दी वगैरह वगैरह। वगैरह वगैरह नहीं सर, सच में बेच दी करीबन 4 महीने पहले सर, मई में। किसे बेची? बिना रजिस्ट्रेशन बदले? रजिस्ट्रेशन बदलने की जिम्मेदारी तो खरीदने वाले की होती है ना सर। मुझे इस मर्डर वर्डर के बारे में कुछ मालूम नहीं सर, आप प्लीज मुझे इसमें मत घसीटिए। किसे बेची? एक असलम मैकेनिक है, बाइक रिपेयर करता है। मैंने उसको मार्च में बोला था कि कोई ग्राहक मिले तो बेच दें। उसका मई में फ़ोन आया था मुझे कि उसको एक पार्टी मिली है, उसने मुझे बाइक के 22,000 रुपये दिए। मैंने उसको बाइक और बाइक के पेपर दोनों दे दिए। असलम का नंबर और एड्रेस चाहिए? हाँ देता हूँ सर, है मेरे पास। तुमने असलम से पूछा नहीं उसने बाइक किसको बेची या खुद के लिए ली? खुद के लिए तो नहीं लेगा सर, मुझे लगता है उसने किसी पार्टी को ही बेचा है सर, लेकिन मैं पक्का नहीं बोल सकता। असलम हाशमी कौन है?
सलाम साहब, मैं ही हूँ। बताइए ना, कुछ बाइक वाइक दिखाऊँ आपको? फिलहाल तो ये बाइक दिखा, नारायण जोशी की बाइक। ये तो नारायण जी की बाइक है साहब, मैंने ही बेची थी करीब मई के महीने में। पिछले 8 दिनों से ये फोटो लगातार अखबार में छप रहा है, न तू सामने आ ना ही नारायण जोशी। अरे नहीं नहीं साहब, आपने नारायण जी का नाम लिया ना इसलिए फटक से याद आ गया। और साहब अखबार उखबार पढ़ता नहीं हूँ मैं। मैं पढ़ता हूँ सर, तस्वीर देखी भी थी, लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं गया कि ये मेरी पुरानी वाली बाइक है जो असलम ने बेच डाली थी। बाइक किसको बेची थी? साहब उस बंदे का नाम तो याद नहीं आ रहा है। जिस बंदे को तूने बाइक बेची उसका नाम याद नहीं आ रहा तुझे? सच में याद नहीं आ रहा है साहब। और साहब नारायण जी की बाइक ऊपर से टिप टॉप और अंदर से बिल्कुल खटारी थी। वो मुझे कब से कहते रहते थे कि बिकवा दे बिकवा दे, तब तक वो बंदा आया और उसको उस बजट में वो बाइक फिट हो गई तो मैंने उसको बेच दी। साहब ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत छोटा सौदा था। अब मैंने उसको 2-4 बार कॉल करके बोला कि भाई आके अपना कागज़ ले जा, पर साहब वो आया ही नहीं। फिर मैंने भी छोड़ दिया और तब से ही कागज़ मेरे पास ही पड़ा हुआ है। और 4 महीने बाद उसी बाइक पे 8 महीने प्रेग्नेंट औरत की बॉडी ट्रांसपोर्ट हुई। अरे मैडम मुझे कैसे पता होगा कि वो बाइक कोई कांड करने के लिए खरीदी गई थी? असलम हाशमी बोल दे, कौन थी वो मारी गई औरत और ये औरत कौन है जो तेरे साथ बाइक पे बैठी है पीछे? किसने सुपारी दी तुम लोगों को? अरे साहब किसी ने सुपारी उपारी नहीं दी, मैं बस ईमानदारी से अपना गराज चलाता हूँ साहब। तेरे घर से तो कुछ नहीं मिला असलम, चल बोल वो कटर कहाँ से लिया तुमने? अरे साहब मैं किसी कटर वटर के बारे में नहीं जानता साहब, और साहब वो बाइक मैंने उस बंदे को बेची थी। तो नाम बोलना उसका। साहब नाम ही तो नहीं याद आ रहा है। तूने उसे 2-4 बार कॉल किया है, नंबर दे उसका, एड्रेस बता। मैडम वो एड्रेस मैं किसी से मांगता नहीं और उसका नंबर सेव नहीं किया था साहब, और उस बात को भी 3-4 महीने हो गए हैं। देख असलम बहुत गोली दे दी तूने, सुपारी के 20,000 तूने बाइक पे खर्च किए और इसलिए तूने रजिस्ट्रेशन भी चेंज नहीं कराया। ये सच नहीं है साहब, वो बंदा खुद सामने से आया था मुझसे पूछताछ करने के लिए। हाँ भाई सुन, तेरी नज़र में कोई सेकेंड हैंड अच्छी सी बाइक है खरीदनी है? अभी फिलहाल तो नहीं है। एक काम करो, अपना नंबर दे दो मुझे, कुछ होता है तो बोलता हूँ मैं। एक काम कर, तू अपना नंबर दे दे, मैं मिस कॉल मारता हूँ। हाँ ले लो। तू उसे नहीं जानता, वो तुझे नहीं जानता, फिर तेरा ही गैराज मिला तो उसे बाइक लेने के लिए? अरे साहब मैं मैकेनिक हूँ और सिर्फ बाइक का, और साहब इससे पहले मैंने कितने सेकेंड हैंड बाइक बेचे, अब किसी ने बताया होगा मेरे बारे में? असलम तुझे उसका नाम नहीं याद, बात कुछ जम नहीं रही है। उसने तुझे अपना नंबर दिया लेकिन तूने सेव नहीं, तो तूने उसे कॉन्टैक्ट कैसे किया नारायण की बाइक को बताने के लिए? तो टाइम वेस्ट कर रहा है असलम, बता दे कौन है ये और कौन कौन शामिल है इस मर्डर में। अरे साहब मैं अम्मी अबू की कसम खा के कह रहा हूँ साहब, मुझे सच में कुछ नहीं पता है। उस बंदे को मैंने 25,000 में बाइक बेची और सिर्फ 3,000 उसमें से लिए। साहब आप मोबी नगर में जाके किसी से ही पूछ सकते हो मेरे बारे में, कोई मेरे बारे में गलत नहीं बोलेगा साहब। साहब बेवजह मुझे इस मामले मत घसीटो। हम नहीं घसीट रहे, ये बाइक तो उस तक पहुंची है। इस केस में बहुत गर्मी है असलम, और तू बता नहीं रहा है कि तूने बाइक किसको बेची। सर तो सारा सा किसी पर ही आया ना, ऐसे कोई बाइक बेची नहीं, ऐसे कोई पेपर चेंज नहीं हुए, ऐसे कोई कस्टमर था ही नहीं। अरे था था साहब, बिल्कुल था साहब, मुझे यही सब लफड़े वाले काम करने होते तभी कहाँ से कहाँ पहुँच गया था साहब। साहब मेरे हाथ देखो साहब, ईमानदारी वाले हाथ है साहब। नारायण जोशी की बैकग्राउंड चेकिंग हुई, हमें भरोसा हो गया था कि उसने वाकई में बाइक असलम को बेची थी। उसका इस मर्डर केस से कनेक्शन होना लगभग ना के बराबर था। मैकेनिक असलम हाशमी की बैकग्राउंड चेकिंग से भी कुछ शक करने जैसा नहीं मिला। उसके भी इस केस से ताल्लुक होने के आसार नहीं दिखे जिसमें एक प्रेग्नेंट औरत का मर्डर हुआ था। असलम हाशमी नाम है, नंबर है 4449876। इस नंबर पर मई मंथ में हमारे सस्पेक्ट के कॉल आए भी हैं और गए भी हैं, तो इस नंबर की टॉप प्रायोरिटी पे कॉल रिकॉर्ड निकालिए प्लीज। हमें उम्मीद थी कि अगर असलम सच बोल रहा था तो उसके कॉल रिकॉर्ड्स में उस खरीदार का नंबर दिखेगा जिसको असलम ने नारायण की बाइक बेची थी, जिसका कटी हुई डेड बॉडी डंप करने में इस्तेमाल हुआ था।
काफी कोशिशों के बाद भी असलम सस्पेक्ट का हुलिया याद नहीं कर पाया, ना ही उसके बारे में कोई और जानकारी दे पाया। हम इस केस में कुछ आगे बढ़े तो थे, पर ऐसा लग रहा था कि हम कहीं जाकर अटक गए हैं। कुछ भी याद नहीं आ रहा साहब। मुझे नहीं लगता नारायण या असलम खरीदार के करीब के थे, और असलम तो डरा हुआ है। हद है ये, लोग गाड़ियां बेचते और खरीदारों के चेहरे याद नहीं रखते। गाड़ी रजिस्टर नहीं होती और मर्डर केस में इस्तेमाल होती है। कॉल रिकॉर्ड की क्या पोजीशन है? गीता असलम हाशमी के मेके एक नंबर को स्कैन कर रही है। मर्डर प्लान्ड है नवीन, इसमें कोई शक नहीं है। गाड़ी खरीदी गई लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया, तो जो सिम कार्ड इस्तेमाल हुआ है वो असली थोड़ी होगा। हो सकता है फर्जी हो, ये शायद ना भी हो। लेकिन एक बात, जो ट्रैफिक वालों के सीसीटीवी में हमारा संदिग्ध दिख रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से उसका चालान जरूर कटा होगा। चांस लेते हैं, फोन रिकॉर्ड्स तो स्कैन हो ही रहे हैं। पिछले चार महीने के ई चालान और स्पॉट चालान सबकी रसीदें चेक करते हैं, हो सकता है कुछ मिल जाए। लेकिन बाइक का रजिस्ट्रेशन तो नारायण के नाम पर, घूम फिर के वहीं पहुंच जाएंगे। रजिस्ट्रेशन पेपर हेलमेट वाले के पास पहुंचे ही नहीं थे, वो असलम के पास ही थे। और जब ट्रैफिक वाले ने चालान काटा होगा तो इस हेलमेट वाले ने अपना असली लाइसेंस दिया होगा। अब इस छोटे से काम के लिए वो अपना जारी लाइसेंस तो बनवाएगा नहीं। पॉइंट है नवीन, चांस लेते हैं। एक तरफ हम असलम के मई के महीने के कॉल रिकॉर्ड्स को बड़ी बारीकी से चेक कर रहे थे ताकि हम इस बाइक के खरीदार तक पहुंच सकें। दूसरी तरफ हमने ट्रैफिक डिपार्टमेंट की मदद ली ये जानने के लिए कि इस जुर्म में इस्तेमाल की गई बाइक से कभी कोई ट्रैफिक रूल तो नहीं टूटा था, चालान तो नहीं कटा था, या फिर मई से सितंबर के बीच कभी सस्पेक्ट का लाइसेंस चेक किया गया हो। काम आसान नहीं था, पर हमें भरोसा था कि हम संदिग्ध तक पहुंच ही जाएंगे। बस इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसमें कितना समय लगने वाला है। सब इंस्पेक्टर नवीन शास्त्री। सर बिना हेलमेट बाइक चलाने के चार्ज पर चलान काटा था इसमें, जिसे आप ढूंढ रहे हैं। सर चलान की कॉपी मिल गई है। कौन है ये प्रसाद? 4 जून और 11 जुलाई दो बार इसका चलान काटा था सर, दोनों ही बार इसके पास सेम लाइसेंस था। सर बाइक का नंबर है MHX1HR54Y3। लाइसेंस नंबर, नाम, पता? लाइसेंस नंबर तो RTO को भेज दिया है सर। लेकिन सर मुझे नहीं लगता ये लाइसेंस नंबर अपने पुणे RTO का है। बिना रजिस्ट्रेशन के बाइक के खरीदार की लाइसेंस की कॉपी हमारे हाथ लग गई। ये हमारे सस्पेक्ट की ही थी, और अब हमारी तहकीकात का एक अलग नया पन्ना खुल गया था। ड्राइविंग लाइसेंस जोधपुर के पास रहने वाले किसी ललित यादव के नाम पर रजिस्टर्ड है। ललित यादव, अब हमारे पास एक नाम है नवीन, और सस्पेक्ट का चेहरा भी, और जोधपुर के पास का एक एड्रेस भी। जोधपुर वैसे यूपी साइड तो नहीं है जहां से विक्टिम हो सकती है, लेकिन जोधपुर राजस्थान यहां से तो नॉर्थ में ही है। नवीन जोधपुर जाओ और उठा लाओ इसे। अगले दिन हमारी टीम जोधपुर के लिए निकली। जोधपुर में हम हमारे संदिग्ध ललित यादव को पकड़कर उसी से मारी गई औरत की पहचान कराना चाहते थे। तुमको क्या लगा हमको कुछ पता नहीं चलेगा? क्यों? अब दरअसल हम तुम्हें बताने ही वाले थे कि जो भी कुछ हुआ वो, जो कुछ भी हुआ जुर्म है, तुम जानते हो जुर्म है। राम राम काका। हाँ राम राम। मैडम ये ललित यादव अब तक तो हवा हो गया होगा पुलिस। हो सकता है नवीन सर इसके जोधपुर वाले एड्रेस पे पहुंच रहे हैं, लेकिन तू अपने सारे लड़कों को काम पे लगा दे गुरु। अगर ये पुणे से बाहर गया भी होगा तो कहीं ना कहीं से इसका फुटप्रिंट तो मिलेगा ही मिलेगा। सर ये वाला
सुनिए, ये आदमी ललित यादव ही है ना? जी साहब। ये उसके घर पे ताला लगा है? हाँ साहब, पिछले 3 साल से ताला है। साल में एक आध बार वो आता है यहाँ, सुना है कहीं बाहर काम करता है। इसकी पत्नी कुछ ऐसे दिखती थी? पत्नी? जहाँ तक मुझे पता है उसकी शादी नहीं हुई है। क्या ये कोई और रिश्तेदार हो सकती है ललित की? उसके माँ बाप तो बहुत साल पहले गुजर गए, और कोई रिश्तेदार हो तो मुझे नहीं मालूम। कोई है जिसे पता हो? ललित को पुणे में देखा गया इस औरत के साथ, और इस औरत का मर्डर हो गया, 8 महीने पेट से थी। मुझे नहीं पता। वैसे मैंने आपको बताया, ललित यहाँ पे साल में एक आध बार ही आता था, और वो अपने आप में ही रहता था, कभी किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। जब वो यहाँ रहता था तो क्या काम करता था? पक्का नहीं पता साहब, लेकिन इतना पता है तब वो बिल्डिंग लाइन में काम करता था। मोहल्ले में किसी और को कुछ पता है कि ललित यादव इस समय कहाँ हो सकता है? नहीं। 6-7 पड़ोसियों से पूछताछ की, सबका यही कहना है कि वो यहाँ जोधपुर में कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता था। हाँ, हमने भी वही गैस किया था। सबका कहना है कि वो जब लास्ट टाइम यहाँ जोधपुर में आया था तो सबसे ये कह रहा था कि वो पुणे में काम करता है। सर, पुणे को और खंगालना चाहिए। तो किसी के पास कोई नंबर उसका? नहीं। विक्टिम के फोटो पे कोई रिएक्शन? नहीं। किसी को उसकी निजी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं मालूम, और सबका कहना है उसकी शादी भी नहीं हुई थी। अब पुणे में ललित यादव की हमारी खोज और गहरी हो गई। पुणे के हर कंस्ट्रक्शन साइट को हमने अपने रेडार में ले लिया, इस उम्मीद से कि ललित यादव शिफ्ट भले हुआ हो, वो शायद अब भी पुणे में ही होगा। हमारी कोशिशें नाकाम नहीं रही, हमें ललित यादव मिल गया। बिल्कुल पुणे में ही है सर, ये बीबी कंस्ट्रक्शन साइट है ना कोठरूड में, उसका सुपरवाइजर है। ललित यादव वहां पर है। काम के लिए रोते रहोगे, जब काम मिल जाएगा तो फिर काम नहीं करोगे, ठीक है? ललित यादव जी, आप लोग कौन? पुलिस। लेकिन मैंने क्या किया है? मैं इस औरत को नहीं जानता साहब। मर्डर किया और जानता नहीं? मैंने किसी को नहीं मारा। मारा और मारने के बाद टुकड़े भी किए। क्या बात कर रही मैडम, मैंने नहीं मारा किसी को। देख ललित, 12 दिन लगे हैं तुझ तक पहुंचने में, तो मेरी पेशेंस को और आजमा मत। देखिए, इस मर्डर केस के बारे में सबको पता है, सब जानते हैं, अखबार में आया। आप मुझे क्यों इस मर्डर केस से जोड़ रहे हैं सब? मैं किसी औरत को नहीं जानता हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हो। तलाशी लेंगे हम, पूरी तलाशी लेंगे, पूरी तहकीकात भी करेंगे, और हमारे सुराग तक पहुंचने का तो इंतजार कर मत, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। ललित लगभग 2 साल से हमारे पास काम कर रहा है, लेकिन मैंने कभी उसके साथ किसी औरत को नहीं देखा, ना ही कभी उसके बारे में सुना। हाँ, अगर उसका किसी से कुछ प्राइवेट हो तो वो बात अलग है सर। हमें लगता है लाश काटने के लिए पत्थर काटने वाली इलेक्ट्रिक मशीन का इस्तेमाल किया गया है। सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि ललित स्टोन काटने वाली मशीन लेकर घर गया हो तो ये लगभग नामुमकिन है। क्यों? मशीन यहाँ से ले जाने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, दिक्कत तो नहीं है, कोई भी आराम से ले जा सकता है, लेकिन वो आदमी ललित हो सकता है, मैं ये नहीं मान सकता। सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वो बाइक मैकेनिक से खरीदी मई में, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ इसके लिए। हाँ भाई, तैयार है? हाँ भाई जी, यही है आपकी बाइक। बस छुटपुट ऊपर का काम है, वैसे गाड़ी एकदम फिटफाट है, फिर भी कुछ हुआ तो मैं हूं ना। ए मनोज, चाबी देना। पर वो बाइक घाटे का सौदा निकला, बहुत खर्चा निकल रहा था, फिर मैंने साइड पे बात फैला दी कि मैं बाइक बेचना चाहता हूँ। किसको बेचे? मोहन को, साइड पे ही सिक्योरिटी वाला है, उसका पूरा नाम शायद मोहन त्रिवेदी है। देख मोहन, झूठ नहीं बोलूंगा तेरे को, इसमें काफी काम कराना पड़ेगा। मैकेनिक ने मुझे झूठ बोला था, मैं तुझे नहीं बोल रहा हूँ। अब इसके बाद भी तुझे लगता है तो तू देख ले। हम अच्छे मैकेनिक से बनवा लेंगे ललित भाई, वैसे भी बस का किराया कुछ कम नहीं है आजकल, ऊपर से ट्रैफिक, लेट होना वो अलग। देखिए ललित भाई, कोई ढंग का दाम बोलिए जिससे कि बात बने। मैंने 15 में बेची मोहन को, और ये तस्वीर में जो लग रहा है ये मोहन ही है, मैं तो नहीं हूँ। सच्ची बता रहा हूँ साहब, जून से मोहन ही बाइक चला रहा है। मोहन त्रिवेदी, सिक्योरिटी गार्ड, एक मिनट। मोहन त्रिवेदी जी सर। मोहन त्रिवेदी नहीं सर, मेरा नाम राजू है सर।
सर मुझे लगता है कि मोहन ने नौकरी छोड़ दी। लगता है मतलब? माने कि कई दिनों से ड्यूटी पर नहीं आया और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। ललित यादव का कहना है कि उसने अपनी बाइक सिक्योरिटी गार्ड मोहन त्रिवेदी को बेच दी थी। इस बारे में मुझे नहीं पता है सर, हो सकता है उन दोनों में कोई डील हुई हो। मोहन तो आए नहीं 12 सितंबर से ड्यूटी पे। सब मैंने ही सीनियर सुपरवाइजर जगदीश को बोला कि कोई और गार्ड देख ले, सब मोहन फोन नहीं उठा रहा था। सब यकीन करो मेरा, ये बाइक पे मोहन ही है, मैं नहीं हूं। और ये जो औरत पीछे बैठी है बाइक पे, ये कौन है? और वो प्रेग्नेंट औरत जिसको टुकड़े करके फेंक दिया गया, वो कौन थी? मुझे नहीं पता साहब, और मुझे ये भी नहीं पता कि मोहन ने ऐसा क्यों किया, सीधा आदमी है। हाँ तो इसका पता तुमने किया ना गार्ड, और सारा जिम्मा मोहन पे डाल रहा है। कैसी बात कर रहे हैं सर, मैं क्यों करूंगा? मैंने नहीं किया साहब, अकेले रहता हूँ। आप चाहो तो मेरे घर जाके तलाशी ले लो, पूछ लो, पता कर लो, अकेले कमाने खाने वाला हूँ सब, मैं क्यों करूंगा ऐसा? सर सिक्योरिटी एजेंसी से मोहन त्रिवेदी का एड्रेस मिला है, वहीं जा रहा हूँ। 12 सितंबर से गायब है, मुझे नहीं लगता वहां मिलेगा, फिर भी देख लो। सर मोहन त्रिवेदी के कॉल रिकॉर्ड मंगवाए हैं टॉप प्रायोरिटी पे, लेकिन सर इस बीच हम इस ललित को कहीं नहीं जाने देते, पता चले हवा हो गया। सर अभी हम इस केस में बाइक खरीदने और बेचने वाले के बीच में फंसे हुए हैं, केस के असली मुद्दे तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। बड़ी अजीब बात है गीता, शहर से एक भी आदमी सामने नहीं आया विक्टिम को पहचानने के लिए। इस औरत का दूसरा कोई था ही नहीं क्या? क्या वो पुणे के बाहर की थी? पता करो ये खुली मोहन की थी या फिर किराए पर रहता। आठ महीने पहले? जी सर, फरवरी 2017 में मोहन त्रिवेदी ने खोली खाली कर दी थी। अभी कहाँ है? वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एग्रीमेंट में उसके गांव का एड्रेस है। वैसे ताहिरगंज कानपुर उत्तर प्रदेश, कानपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ताहिरगंज। तुरंत निकलता हूँ टीम लेकर, वहाँ छुपा हुआ तो उठा लेता हूँ। सर मोहन त्रिवेदी के मौजूदा पुणे वाले एड्रेस के बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम। ललित यादव सीनियर सुपरवाइजर जगदीश फुले और सिक्योरिटी एजेंसी सबसे बात की। कॉल रिकॉर्ड आते आते 2 दिन का टाइम लग जाए, तब तक ताहिरगंज स्कैन करते हैं। वो नहीं मिला तो उसकी फैमिली मिलेगी, कोई तो ऐसा मिलेगा जो उसे जानता हो, कुछ तो हाथ लगेगा। ठीक है नवीन, तुम निकलो, मैं हेडक्वार्टर्स में बोलकर यूपी पुलिस को इन्फॉर्म करवा देता हूँ। गीता फोन कंपनी पर प्रेशर डालो, मोहन त्रिवेदी के कॉल रिकॉर्ड्स जल्द से जल्द मिलने चाहिए। ये खोज अब हमें उत्तर प्रदेश ले गई, इस उम्मीद में कि ताहिरगंज में हमें मोहन त्रिवेदी मिल जाए या उसके बारे में कोई जानकारी मिले जो हमें उस तक ले जाए और इस केस को क्लोज करे। पंडित जी, इस गांव के सरपंच से बात करवाइए, शायद वहां से कुछ हासिल हो। जी सर। हमें यहां से मोहन के परिवार के बारे में एक जानकारी मिलने वाली थी, ये जानकारी जुर्म से जुड़ी थी या नहीं ये अभी हमें पता नहीं था। मोहन तो 2 साल पहले ही चला गया था पुणे काम करने के लिए। और उसके माँ बाप? माँ बाप तो यही कोई 7-8 महीने पहले चले गए यहाँ से, हम सबको लगा कि पुणे ही गए होंगे मोहन के पास। सरपंच जी, हम इस केस पे 2 हफ्तों से लगे हुए और अब जाके मोहन की लीड मिली। लीड भी क्या मिली है, बस उसका नाम और पता मिला, ये देखिए। इनमें से किसी को पहचानते हो? इसमें से कोई क्या पहचान पाएगा साहब? देखिए सरपंच जी, हम काफी दूर से आए, एक बार गौर से देखिए प्लीज, हो सकता है आप कुछ बता सकें। मुश्किल है, लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं इस मोहन के माँ बाप के बारे में। एड्रेस है उनका, नंबर है? ना, दोनों नहीं है, लेकिन एक बात है, देखिए शायद आपके काम की हो। बोलिए। एक आदमी था, कमल पाठक नाम था उसका, उसका इनके घर पर काफी आना जाना लगा रहता। राम राम काका। राम राम।
वैसे ये बात किसी से छुपी नहीं थी, सब कुछ खुल्लम खुल्ला था। ये कमल रहता कहाँ? कमल अपने ताहिरगंज का नहीं था। वो लोग जब 7-8 महीने पहले यहाँ से गए तो फिर वो कभी दिखाई नहीं दिया। इस कमल को कोई तो जानता होगा। विद्या लाई थी उसे यहाँ। कौन विद्या? मऊ जिले में धेमू नाम का एक गांव है जहाँ इस विद्या का अपने पति के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो अपने पति और बच्चों को छोड़कर वो इस कमल पाठक के साथ अपने ताहिरगंज में ही बस गई। एक मिनट, ये विद्या तो इसी गांव की थी ना? हाँ बिल्कुल, दो गली छोड़कर ही उसका मायका है, लेकिन काफी दिनों से देखे नहीं है हम उसको। महाराष्ट्र पुलिस, विद्या वर्मा यहीं रहती है? जी साहब, हम विद्या के पिता है। क्या बात है साहब? विद्या कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। कमल पाठक के साथ है? बात क्या है वो तो बताइए। हम मोहन त्रिवेदी को ढूंढ रहे हैं। तो साहब, उसका हमारी बिटिया से क्या ताल्लुक? आपको नहीं पता? पूरा गांव जानता है। आपकी बेटी विद्या इस कमल को लेकर यहाँ पे आई थी और कमल का मोहन के घर पे आना जाना शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ ये आप लोग भी जानते हैं। अब हम मोहन के माँ बाप को ढूंढ रहे हैं जिससे कि हम मोहन को ढूंढ सकें। उसके लिए हमें विद्या को ढूंढना। वो कई दिनों से यहाँ नहीं आई और उसने पैसे भी नहीं भेजे। खुद के पति और बच्चों को छोड़कर उस कमल के साथ यहाँ चली आई और कमल भी अपने परिवार को छोड़कर यहाँ चला आया। तो मोटी मोटी बात यह है कि विद्या कमल के साथ चली गई। हाँ चली गई। पता नहीं ऐसा क्या घुस गया हमारी बिटिया के दिमाग में, क्या कर बैठी, अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर दिया। साहब, देवो गांव में जाकर कमल के बारे में पूछिए। वैसे साहब, आप मोहन को क्यों खोज रहे? दरअसल वो एक केस में शामिल है। खैर, वो केस क्या जाने दीजिए। आप लोगों के पास विद्या का नंबर है या वो भी नहीं है? हाँ है। अब रुकिए एक मिनट। इस केस की जड़ यहाँ विद्या के घर में ही थी। घूम फिर कर हमें यहीं आना था। धेमू गांव, मऊ जिला। जी सर। लग जाए इस कमल पाठक के पीछे, क्या पता मोहन तक कोई लीड मिल जाए। ठीक है, हो आओ धेमू। शाम तक मोहन के कॉल रिकॉर्ड्स हाथ में आने चाहिए। हो सकता है उससे पहले मोहन ही हाथ में आ जाए। जिला मऊ के धेमू गांव से हमें आशा थी कि कमल पाठक पर कोई लीड मिलेगी और वो हमें मोहन त्रिवेदी और उसके परिवार तक पहुंचाएगी। अब हम पूरी तरह मान चुके थे कि इस भयंकर हत्याकांड केस की चाबी केवल मोहन त्रिवेदी के हाथ में थी। देखिए, कमल हमारे बस नाम के पति हैं। एक अरसे से वो हमारे साथ नहीं रहते। इस वक्त कहाँ मिले हो? ये तो उससे ही पूछिए जिसके साथ हैं, विद्या वर्मा। सारा गांव जानता है उन दोनों के बारे में। 2 साल हो गए हैं, हमने शक्ल नहीं देखी है उनकी। सौरत के कारण हमें और हमारे बच्चे को छोड़ के चला गया है वो। इन 2 सालों में कभी फोन पे बात बात हुई होगी? क्यों फोन आएगा, पर हम क्यों बात करेंगे? मोहन त्रिवेदी को जानती हैं? ये कौन है? छोड़िए, विद्या वर्मा का पति कहाँ मिलेगा? संतोष भैया, पुणे से पुलिस है ये। पुलिस? आपको क्या लगता है कि हम अपनी बच्चलन पत्नी के यार की खबर रखेंगे? और अगर उसके बारे में आपको कुछ नहीं बताएंगे तो हमें जेल में डाल दीजिएगा। इस वक्त हमारे पास तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं है संतोष। बाहर में जाएं आप और आपकी तहकीकात। मर गई है विद्या हमारे लिए, और वो कमल कुत्ता अगर आपके हाथ में लगे ना साहब, टुकड़े टुकड़े कर दीजिए उसके। विद्या कमल के साथ क्यों भागी थी? ये तो आपने सुना ही होगा कि हम हाथ उठा देते थे उस पर, तो क्या करते साहब? 3-3 बच्चों की माँ और पराए मर्दों की ऐसी भद्दी प्यास। मोहन त्रिवेदी को जानते हो? उसके माँ बाप रोहिणी और राजेंद्र त्रिवेदी। इनके बारे में हम कुछ नहीं जानते ना, हमने कुछ सुना इनके बारे में। और साहब, सच तो ये है कि हमारे पास अब किसी के बारे में जानने और समझने के लिए समय नहीं है। 2 बेटियां हैं हमारी जिन्हें पालना है, बड़ा करना है, उनकी शादी करनी है हमको। और साहब, हमारा ना एक बेटा भी है, लेकिन वह विद्या उसे कहाँ ले गई हम कुछ नहीं जानते। प्रणाम। अगले दिन हमें मोहन त्रिवेदी के फोन रिकॉर्ड्स मिले जिससे हाल ही में किए गए कॉल्स की जानकारी मिली। हेलो, कौन बोल रही हैं आप? फोन आप किए हैं, आप कौन बोल रही हैं? मोहन त्रिवेदी को कैसे जानती हैं? बेटा है हमारा। आप इस वक्त कहाँ हैं? जी हम घर पे हैं। आप कौन बोल रहे हैं लेकिन? और मोहन? मोहन गांव गया होगा, बता कर नहीं गया, लेकिन आप बताइए तो सही, बोल कौन रही हैं आप?
रोहिणी त्रिवेदी का घर यही है जी? आप रोहिणी? रोहिणी? हाँ जी। बात क्या है जी? आपका बेटा मोहन कहाँ है जी? हम आपको फोन पर बताए थे ना, हमको नहीं पता। आप लोग क्या जानना क्या चाहते हैं? आप कौन है? हम मोहन के पिता हैं। आप राजेंद्र हैं? हाँ हम ही हैं। ये बाइक पे मोहन के साथ औरत कौन है? हमको नहीं पता। ये बच्चा कौन है? हमारा बेटा है ये। ये भी है? ये भी मतलब? और ये कौन है? हमको नहीं पता। मोहन की बाइक कहाँ है? अपने साथ में लेके गया है वो? हमको नहीं पता है वो, हम तो गांव में रहते थे, 8 महीने पहले ही आए हैं मोहन के साथ रहने के लिए। और कमल पाठक भी गांव में था। और विद्या वर्मा भी? विद्या वर्मा कहाँ है? अरे हमको... विद्या वर्मा हमारी मम्मी का नाम है, वो हमें बिना बताए चली गई। विद्या वर्मा आपकी मम्मी है? हाँ। राजेंद्र जी, रोहिणी क्या कह रहा बच्चा? मतलब हमारे बच्चे जैसा ही है। हाँ, विद्या वर्मा का बच्चा आपके बच्चे जैसा है। तो विद्या वर्मा कहाँ है? वो यहीं पे थी, कमल के साथ कहीं चली गई। तो कमल कब गया ये तो पता ही होगा, साथ में यहीं रह रहा था ना? हाँ, दोनों यहीं रह रहे थे, विद्या भी यहीं रह रही थी, लेकिन फिर दोनों चले गए बिना बताए। अब बच्चा तो रोज पूछता है माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। उसके गाँव में भी किसी को नहीं पता है कि कहाँ है। अब हम बताएं तो क्या बताएं, इसीलिए आप लोगों को भी कह दिए कि हमारा ही बेटा है। राजेंद्र जी चलिए हमारे साथ। लेकिन कहाँ? थाने, वहाँ चल के आराम से बात करेंगे। आप जो जो जानना चाहते थे हमने तो सब बता दिया, अब किस लिए? पूरे घर की तलाशी ले। इलेक्ट्रिक कटर मशीन है, सील कर दो इसे। जी सही बात है, विद्या 6 महीने पेट से थी जब वो यहां ताहिरगंज से चली गई थी। आपने पहले क्यों नहीं बताया? एक तो आपने पूछा नहीं, और दूसरी बात हम किस मुंह से विद्या से पूछते, और वो जानती थी भी या नहीं हमें नहीं मालूम कि उसके होने वाले बच्चे का बाप कौन था। वैसे साहब हमारा नाती राहुल कैसा है? ठीक नहीं है शंभू जी, काफी सहमा हुआ है। हम उससे बात करके पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ था। जुर्म के लगभग 2 हफ्तों बाद हम पीड़ित महिला की पहचान कर पाए थे, ये विद्या वर्मा थी। पर इसका कत्ल क्यों हुआ था यह अब पता करना बाकी था। एक तो आप जबरदस्ती मेरे घर से मुझे उठाकर यहां ले आए, इतनी देर से बिठाकर रखा है और वही वही सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब मुझे पता ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगी इस तरह से सवाल पूछने से? मैं सारे इल्जाम कबूल कर लूंगी। रोहिणी हम तुम्हें डरा नहीं रहे हैं, तुम जवाब नहीं दे रही हो। हम उस इलेक्ट्रिक कटर मशीन और खून से लथपथ कपड़ों के बारे में पूछ रहे हैं जो तुम्हारे घर से बरामद हुए हैं। विद्या वर्मा का कत्ल तुम्हारे घर में हुआ है। आपको मोहन और कमल पाठक के बारे में जानना था ना, तो सुनिए, वो दोनों एक दिन बिना बताए कहीं चले गए, ठीक वैसे ही जैसे विद्या बिना बताए चली गई थी। और वो चीजें हमारे घर में कैसे आई ये तो कमल और मोहन ही जाने। आप हमारा दिमाग काहे खा रहे हैं? क्योंकि राजेंद्र जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कमल या मोहन या दोनों ने आपके घर में विद्या की हत्या की, औजार और कपड़े छुपाए, और आपको और आपकी पत्नी को कुछ भी पता नहीं चला। गलत, हमारे घर के अंदर कुछ नहीं हुआ इसलिए हमें पता नहीं चला। रोहिणी सच में आपकी पत्नी है? हाँ सच में पत्नी है,
आप नहीं मानते तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, वहां से ऐसी कोई आवाज सुनी नहीं हमने कटर मशीन की। मतलब आप कह रहे कि घर के अंदर उस औरत की लाश को काटा? ये औरत यहाँ आई थी क्या इनके घर? अब उनके घर में कौन कौन रहता है ये तो नहीं पता। हाँ, एक बच्चा था राहुल। हाँ वही, वो बेचारा सबको पूछता रहता है मेरी मम्मी को देखा क्या, मेरी मम्मी कहाँ है। दो तीन बार वो बच्चा मेरे पास आया था, मैंने फोन भी लगाया था, लेकिन जो नंबर उसने दिया था वो बंद आ रहा था। और ये औरत जिसका नाम आप विद्या बता रहे हैं, इसको तो मैंने कभी नहीं देखा। बेटा राहुल, आपके पापा आ रहे हैं आपको घर ले जाने के लिए। मम्मी भी आ रही है? नहीं। मेरी मम्मी कहाँ है? बेटा राहुल, आपने अपनी मम्मी को लास्ट टाइम कब देखा था और कहाँ देखा था? हम उनको पकड़कर सोए थे। फिर जब सुबह उठे तो मम्मी वहां नहीं थी। पूरे घर में देखा लेकिन वहां भी नहीं थी। वो कमल को बोल कर गई या मोहन को, ये हमें नहीं पता। और जब कमल ने कहा कि विद्या गांव लौटी है, हम क्यों नहीं मानते? वो उसी के साथ आई थी, उसके करीब थी। कमल के करीब सिर्फ विद्या तो नहीं थी, गांव में खबर है कि आपकी पत्नी रोहिणी भी कमल के करीब थी। रही होगी, उसने तो हमें कभी कुछ बताया नहीं, ना गांव वालों से हमने कभी कुछ सुना। और जो कटिंग मशीन और खून के कपड़े आपके घर से मिले उसका क्या? कमल ने रखे होंगे। अच्छा, लेकिन जिस रद्दी की दुकान से वो बोरियां खरीदी गई जिसमें लाश के टुकड़े पैक करे गए, उस दुकान वाले का कहना है कि वो बोरियां मोहन ने खरीदी थी, आपके बेटे मोहन। हाँ, ये सली का ही बंदा था जिसने 200 रुपए में बोरियां खरीदी थी। हम दोनों का मिलाकर 200 देने के लिए तैयार है। 200? हाँ 200। अगर इतना ठोस सबूत है तो धर लीजिए ना मोहन को, हमको क्यों परेशान कर रहे हैं? मोहन हमसे थोड़ी पूछ के करता है कुछ, और कोई भी हमसे कहाँ पूछ के करता है। हो सकता है कमल ने करवाया उससे ये सब। हाँ तो था हमारा कमल पाठक के साथ कुछ, इससे क्या है आपको? कुछ किया है क्या कमल पाठक ने या मोहन ने जिसका हमको नहीं पता है? रोहिणी, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। विद्या वर्मा के कत्ल से जुड़े हुए सबूत मिले तुम्हारे घर से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस किसी ने भी कत्ल किया हो उसका तुम्हें और तुम्हारे पति राजेंद्र को पता ना हो। कैसे पता होगा? आप कमल और मोहन को ढूंढ रहे हैं ना, तो फिर उनको पकड़कर पूछताछ कर लीजिए आप, हमारा दिमाग काहे खा रहे हैं। तुम तुम्हारे पति राजेंद्र और कमल पाठक के साथ पुणे आती हो 8 महीने पहले तुम्हारे बेटे मोहन के साथ रहने के लिए। तुम्हारा रिश्ता चलता रहता है कमल पाठक के साथ तुम्हारे पति राजेंद्र और बेटे मोहन के सामने। उसके बाद विद्या वर्मा आती है, फिर भी तुम्हारा कमल पाठक के साथ रिश्ता बना रहता है जिसका विद्या वर्मा के साथ अफेयर चल रहा है। क्या विद्या वर्मा के कत्ल के पीछे ये एक त्रिकोण है? आपको जो समझना है, जो बोलना है, जैसे बोलना है, आपने लगे रहिए। हम तो बस इतना कहेंगे कि हमको कुछ नहीं मालूम है। बस इतना मालूम है कि एक रात विद्या अचानक से चली गई। हमने कमल से पूछा तो कमल ने कहा कि गांव गई है, हमने मान लिया। फिर मोहन भी कहीं चला गया और उसके बाद खुद कमल, किसी ने कुछ नहीं कहा। तीनों का मोबाइल फोन भी बंद है और आप हमें यहाँ उठाकर ले आए। रोहिणी से सच निकलवाना आसान नहीं था। सभी कोशिशों के बावजूद वो गोल गोल बातें किए जा रही थी। रोहिणी का पति राजेंद्र त्रिवेदी भी चुप हो गया था। उसकी उम्र का लिहाज करते हुए हम उस पर ज्यादा दबाव भी नहीं डाल पाए। राहुल को उसकी मां के मर्डर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे घर में इलेक्ट्रिक कटर मशीन का इस्तेमाल होने के बारे में भनक तक नहीं थी। बच्चे के लिए अपनी मां के साथ हुए हादसे को कबूल करना मुश्किल साबित हुआ। मोहन त्रिवेदी और कमल पाठक की पब्लिक में पहचान कराने के लिए हमने उनके गांव से लेकर सारे उत्तर प्रदेश में मीडिया के माध्यम से प्रचार करवाया। रोहिणी विद्या को कमल ने मारा या मोहन ने? हमने एक पैंतरा आजमाया। रोहिणी और राजेंद्र त्रिवेदी की लगातार पूछताछ चालू रखी, उनसे बार बार उनके बयान लिए, फिर वही सवाल बदल बदल कर अलग अलग अंदाज में पूछे, सब इस उम्मीद में कि दोनों थक कर हताश होकर सच बोल देंगे। और आखिर ऐसा ही हुआ। हाँ हाँ भाई हाँ, रोहिणी और विद्या का कमल के साथ चक्कर चल रहा था, सही कह रहे हैं आप, और हाँ हमारे सामने चल रहा था। तो पूरा सच ही बोल दीजिए ना। रोहिणी, जैसा कि आप जानते हैं कि दिखता भी है कि हमसे बहुत छोटी है,
हम जब गांव में थे तभी हमको समझ में आ गया था कि उसका कमल के साथ चक्कर चल रहा है। आगे रोहिणी, आगे। विद्या के साथ कमल पाठक तुम्हारे गांव आया, उसके बाद तुम्हारी उससे दोस्ती हुई, प्यार हुआ, बहुत कुछ हुआ, उसके बाद सब कुछ हुआ, सब कुछ हो गया। उसके बाद कमल को किसी के साथ बांट नहीं पाया, इसलिए मोहन को फोन करके कहा कि हम उसके बाबा और कमल तीनों पुणे आएंगे उसके साथ रहने। अब घर छोटा पड़ेगा ना मोहन, तो बड़ा घर किराए पे ले लेना। अब चार पैसे कमल भी कमाएगा तो घर के किराए में हिस्सा दे देगा, ठीक है? हाँ ठीक है माँ, हम बताते हैं, हम सोचते हैं कुछ। अरे सोचना वोचना क्या है इसमें, अब जितनी जल्दी हो सके तुरंत ही घर ले लो, हम बस दो तीन दिन में आ रहे हैं पुणे रहने के लिए तुम्हारे साथ। क्या, दो तीन दिन में? हाँ दो तीन दिन में, समझ जाओ बस। कमल, वो पुणे जाने वाली बात तुम विद्या को बिल्कुल नहीं कहोगे, समझे? नहीं कहेंगे। हमारी कसम खा के कहो। अब बात बात में कसम मत खिलाया करो, एक बार बोल दिया ना हम नहीं कहेंगे, मतलब नहीं कहेंगे। मोहन बेटा देखो हम आ गए। ये ले। जीता रहे, वाह घर तो बड़ा अच्छा है। नमस्ते बाबा। खुश रहो। कैसे हो मोहन? हैं? हम ठीक है। सब कुछ सही चल रहा था, फिर पता नहीं 6 महीने बाद कहां से अचानक विद्या अपने बेटे राहुल के साथ आ गई। पता नहीं उसको कैसे पता चल गया कि हम पुणे में मोहन के यहाँ। तुमको क्या लगा हमको कुछ पता नहीं चलेगा? दरअसल हम तुम्हें बताने वाले थे कि हम यहाँ जो है। जो कुछ भी हुआ जुर्म है, तुम जानते हो जुर्म है। किसी भी औरत का इस्तेमाल करना, उसके पेट में बच्चा छोड़कर गायब हो जाना, बहुत बड़ा जुर्म है कमल। ये बच्चा मेरा है? ये तुम पूछ रहे हो? किसके लिए हम अपने पति और बच्चे को छोड़कर तुम्हारे साथ भाग आए थे कमल, और तुम वहां हमें छोड़कर इस रोहिणी के साथ भाग आए हो? हाँ गांव में तूने कमल के साथ चक्कर चलाया, ये बात हमें मालूम थी। हमने सोचा ठीक है, हम उसे बांटने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन तू तो इतनी लालची निकली कि कमल को लेके तू पुणे भाग आई। ना तो हम यहाँ कमल के साथ भाग कर आए हैं और ना हमने कमल को भगाया है, वो खुद अपने आप अपनी मर्जी से हमारे साथ यहाँ तक आया है तुमको छोड़ के, समझी? वैसे ही ना, जैसे वो अपनी बीवी को छोड़कर हमारे साथ आया था। और कमल क्या चीज है हम उसे अच्छे से जानते हैं, और तुम्हें भी हम स्कूल के टाइम से जानते हैं। रोहिणी, विद्या और कमल, इन तीनों के बीच क्या चल रहा था, क्या पकड़ा था, हमें नहीं पता। हम तो बस उस घर में रह रहे थे, उम्र हो गई है, पत्नी का सहारा छोड़ना नहीं चाह रहे थे, इसलिए हमने आंखें बंद कर ली। हमें पता है रोहिणी हमसे इतने साल छोटी है, हम उसे पति का सुख नहीं दे पा रहे थे। विद्या का मर्डर घर के अंदर हुआ आपके सामने, विद्या के बेटे राहुल को कुछ कैसे पता नहीं चला? ये मशीन की आवाज बाहर तक क्यों नहीं पहुंची? क्या विद्या को बाहर ले जाकर मारा? विद्या को मारा जाने वाला है, क्यों मारा जाने वाला है, हमको किसी ने कुछ नहीं बताया। तो बस आप गूंगे बनकर सब कुछ देखते रहे? हाँ, सिर्फ गूंगा नहीं, अंधा और बहरा भी, जैसे कि हमेशा उस घर में रहता रहा हूं। तो विद्या एक नंबर की बच्चलन औरत थी, कह रही थी कि जो बच्चा उसके पेट में था वो कमल का था। अरे ऐसे कैसे हो सकता है बिना सबूत? हो सकता है ना कि जो बच्चा उसके पेट में था वो किसी और का हो, और भी तो आशिक हो सकते हैं उसके। बच्चा कमल का है ये कह के उससे पैसे ऐंठ रही थी। अरे हम तो क्या, कमल भी उससे इतना परेशान था। क्या बात है, कहाँ ले जा रही हो तुम? सारे महीने भर की तनख्वाह जो है तुम उसके हाथ में थमा दोगे क्यों? तुम्हें भी देते हैं और उसको भी देते हैं। हाँ लेकिन ज्यादा उसको देते हो। पेट से है वो, खर्चे ज्यादा है उसके, और हमने नहीं बुलाया चला के उसे, खुदा ही है वो यहाँ पे। हमने तो कहा था चले जाए यहाँ से, मगर नहीं। और वैसे भी ये घर तुम्हारा है, तुम्हारे बेटे मोहन का है, अरे निकाल के फेंक दो उसे। निकालना नहीं चाहते हम उसको। तो कहाँ चाहती हो फिर? जान से मारना चाहते। पगला गई होगा तुम,
जानते हो क्या कर रही हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। जान से मार देंगे तो बला टलेगी। हम अभी मोहन को बुलाकर लाते हैं, हमारी मदद करेगा। तुम जाकर विद्या को यहाँ ले आओ। ज्यादा सोचो मत, जाओ। अरे जाओ। क्या हुआ माँ? उठ, हमको काम है तेरे से। इस वक्त क्या काम है? विद्या को खत्म करना, और यही सही वक्त है। विद्या, विद्या, एक मिनट, बाहर आओ। सिर्फ रसोई से आती आवाजें सुनी, बस उसके बाद हमें पता चला कि क्या हुआ है। यह सब कुछ 4 सितंबर को हुआ। तो 5 सितंबर को विद्या की लाश पूरा दिन घर के अंदर रही। उन्होंने उसे मार तो डाला था, लेकिन उसके बाद क्या करना है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमने लाश को खाट के नीचे चादर से ढककर रखा। राहुल से बोला कि उसकी मां गांव गई। और क्या बोलते? ये बोलते कि उसकी मां को मार दिया हमने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने प्लान बनाया लाश को ठिकाने लगाने का। अगर लाश को सिंगल पीस में फेंका, पकड़े जाएंगे। कब तक ऐसे तख्त के नीचे रखेंगे लाश को? सड़ी की बदबू आएगी भयंकर। तब से राहुल मां मां किए जा रहा है। अभी तो कुछ नहीं कर सकते, जो भी करना है ना हमको रात को ही करना होगा। फिर रात तक इंतजार नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ कि लाश के टुकड़े करते हैं और उसको भर के अलग अलग जगह फेंक देते। मोहन एक काम कर, वो कटर होता ना, स्टोन कटर, वो ले गया। और हाँ सुन, साथ में बोरे भी लेके आना और पॉलीथीन की थैलियाँ लेके आना, उसमें भर के फेंक देंगे। मोहन भैया मम्मी का है? आ जाएगी बेटा, इतना सोचो नहीं, जल्दी आ जाएगी। हमने राहुल को रात को सुलाया और फिर विद्या की लाश को ले जाकर बाथरूम में काट दिया। कैसे काटा? राहुल आवाज से उठा नहीं, पूछा नहीं क्या हो रहा? नहीं पूछा, उठा नहीं वो। ये सही जगह नहीं लग रही है, किसी कचरे के ढेर में फेंक देते। बिल्कुल सही जगह है, जल्दी से ये वाली बोरी भी यहाँ फेंक और निकल चल यहाँ से। चल यानी जब हमने अखबारों में खबर छपवाई तो कमल और मोहन यहीं थे। हाँ, कुछ दिनों तक थे, उसके बाद मोहन निकल गया क्योंकि उसका यहां दिमाग खराब हो रहा था। राहुल बार बार पूछता था मां के लिए, फिर उसके अगले दिन कमल भी निकल गया। हम सच कह रहे हैं, कमल हमको नहीं बताकर गया कि वो कहां गया है। मोहन कहां है? बाइक लेकर गया? पता नहीं, लेकर गया हो तो कहीं छुपाई होगी। और वो कहां छुपाई है? देखो रोहिणी,
अगर इतने सारे सच हम तुमसे उगलवा पाए हैं ना, तो बाकी सारे सच भी हम तुम्हारे हलक में उंगली डाल के निकाल सकते हैं। बोलो। देखिए, आप लोग अगर चाहते हैं तो हम आपको मोहन का पता बता सकते हैं, लेकिन कमल कहाँ है ये हम नहीं जानते, और उसका फोन भी बंद है। कहाँ है मोहन? मोहन एक लॉज से भागकर दूसरे लॉज में छुप रहा था। अलग अलग नंबर से अपनी मां रोहिणी के टच में था। हमने आखिर में उसे पकड़ लिया, उत्तर प्रदेश से। क्या हुआ था चार की रात? हम सो रहे थे सर। मोहन की पूछताछ के दौरान उसने वही सारी बातें दोहराई जो उसकी मां रोहिणी ने हमें बताई थी। वो तुम्हारी नानी। नानी। चाइल्ड केयर कमेटी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद राहुल, विद्या का बेटा, विद्या के माता पिता को सौंप दिया गया। वो गहरे सदमे में थे ये जानकर कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ था। कमल पाठक के गांव धेमू में एक कांस्टेबल तैनात कर दिया सर्विलेंस के लिए, पर कमल अभी तक वहां नहीं दिखा है। यूपी पुलिस से कहकर कमल पाठक के लिए लुकआउट नोटिस जारी करवाओ। पूरे यूपी स्टेट के सभी थानों में ये नोटिस जाना चाहिए। हमारे केस में बस एक वही बचा है जिसकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। ठीक है, मैं यूपी पुलिस में अर्जी भेज देता हूँ। कमल पाठक अभी हाथ नहीं लगा है। हमारा रडार उसके लिए लगातार ऑन है और तब तक ऑन ही रहेगा जब तक वो हमारे हाथ नहीं आता। हमें यकीन है कि हम बहुत जल्द कमल पाठक को गिरफ्तार कर लेंगे। विक्टिम विद्या का डीएनए सैंपल और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का डीएनए सैंपल हमने प्रिजर्व किया है, और जैसे ही कमल पाठक की गिरफ्तारी होगी डीएनए मैचिंग करवाई जाएगी, ये जानने के लिए कि विद्या के गर्भ में पल रहा बच्चा कमल पाठक का था या नहीं। ये एक टफ केस था। हम बहुत बाहर अंधी गली में घुसे और हाथ पैर मारते हुए बाहर निकले, लेकिन हम अपने काम पर लगे रहे। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है जो लोगों को इस हद तक गुस्सा दिलाता है कि आदमी सही और गलत के फासले को भुलाकर इस हद तक गिर जाता है। हमारा काम साफ है, बार बार ये साबित करना कि जुर्म करके कोई बच नहीं सकता। क्राइम नेवर पेज। जुर्म से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।